कहते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास में महीन सी रेखा होती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई सारी मान्यताएं हैं, कई धर्म हैं, कई सभ्यताएं, और इन्हीं मान्यताओं से जुड़ा यूपी के कानपुर का एक ऐसा मामला सामने आया है जो थोड़ा हैरान करता है। दरअसल कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के चौबेपुर गाँव में एक कुआं है जहाँ बीते 20 दिनों से लोगों का मेला लगा हुआ है। लोग आते हैं, कुएं का पानी निकालते हैं, पीते हैं और बड़े से बड़े रोग से ठीक होने का दावा करते हैं। दरअसल ये जो कुआं आपको दिख रहा है ये कई सालों से सूखा था, लेकिन अचानक इस कुएं में पानी आया तो लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानने लगे। इसके बाद क्या था, लोगों ने कुएं की पूजा करना शुरू कर दिया। कुएं के बाहर अगरबत्तियां मिठाइयां रखकर पूजा होने लगी। दूर दराज से अपने रोग को ठीक करने के लिए लोगों का तांता लगने लगा। एक ग्रामीण से जब हमने बात की तो उसने बताया कि लोग आते हैं, पानी पीते हैं और उनका रोग ठीक हो जाता है। अच्छा, मेला कितने दिनों से लगा हुआ है? फायदा मिल रहा हुआ मैंने। अच्छा, क्या फायदा मिल रहा है? पानी पिया थे तो बीमारी जब होती तो भगवान पर दुआ दे। अच्छा, भगवान बता दे। तो ये कितने दिनों पानी निकल रहा है यहाँ पर? ये 29 तारीख। कितना दिन हो गया लगभग? 29 लगभग। मेला कितने दिनों से लगा है यहाँ पे? 14-15 दिन। अपने रोगों का निवारण करवाने के लिए चौबेपुर गांव आए एक शख्स ने बताया कि मेरे शरीर में कई बीमारियां हैं, हमें पता चला कि कुएं का पानी पीने से सब ठीक हो जाता है, इसीलिए यहां पर हम आए। हमारा जो है पैरों में दर्द होता था, पेट में फोड़ा है, तो मैंने सुना कि वहाँ जाते हैं सब लोग सही हो जाते हैं, तो हम भी यही कामना लेकर के हम भी आए हैं। यहाँ मंदिर आए थे आपकी, ये कुएं में जल के लिए आए थे? तो हम आए थे कुएं के उसे कि कुएं से जो है जल जल, जल पीने से सो हाथ पैर जो है कहना करने से जो है कहना जो है दर्द जो भी समस्याएं हैं वो सब सही हो जाती हैं। इधर भोले आए हैं कि मतलब अभी पहली बार आए हैं? यदि यदि हमको कुछ फायदा हो जाएगा तो हम दोबारा तिबारा तक आएंगे, बराबर आते रहेंगे। आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी हमें सब लोगों ने बताया तो हम लोग आए हैं। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी भारी तादाद में पहुंचती हैं, कुएं की पूजा करती हैं, उसके बाद कुएं से पानी निकालती हैं और पीने के बाद ठीक होने की उम्मीद करती हैं। हम चौबे पेड़ का में आए उनके दर्शन करने के लिए, भोले जी का सुना था। ये कुएं में ये जल निकल रहा क्या ये भी आपने सुना था? हाँ। तो क्या पहली बार आई है कि आप? पहली बार। तो जल लेके जा रही है? जल लेके जा। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। कुएं में कई सालों बाद पानी आने के पीछे अगर वैज्ञानिक कारण समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि इस बार के मौसम में बारिश अच्छी हुई जिसके कारण क्षेत्र का वाटर लेवल बढ़ गया हो जो कई सालों से कम रहा हो, और इसी कारण अचानक कुएं में पानी आ गया है जिसे लोग अब चमत्कार मान रहे हैं। खैर वजह जो भी हो, चौबेपुर और आसपास के लोग आस्था और अंधविश्वास के भंवर में फंस चुके हैं और इस भंवर से उन्हें खुद ही निकलना होगा।